फेस्टिवल की टाइम है, इस टाइम पे घर पे गेस्ट आना तो बनता ही है ना। आज इवनिंग हमारे घर भी कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। मैंने सोचा घर पे ही कुछ लास्ट मिनट स्नैक्स रेडी कर लेती हूँ। फेस्टिवल के टाइम कुछ चीज़ें फ्रीज में रेडी करके रखती हूँ क्विक रेसिपीज के लिए। उनमें से एक है बॉइल्ड पोटैटो। हाफ कप पोहा अच्छे से धोकर रख रही हूँ। भेजीज जैसे कैप्सिकम, ऑनियन, कैरेट, कोरिएंडर रेडी कर लिया है। कटलेट में सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये राइस फ्लावर 1 स्पून। बॉइल्ड पोटैटो काट किया हुआ भेजीज ऐड करने के बाद थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है। सारे पाउडर मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। कटलेट्स के शेप रेडी करने से पहले मैंने हाथों में थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लिया है। इससे शेप देना इजी होता है। इनको कवर करके थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखती हूँ। मखाना हमेशा मैं रोस्ट करके रख देती हूँ। इवनिंग टाइम पे चाय के साथ मैं मोस्टली मखाना ही लेती हूँ। आज बनाऊंगी मखाना चाट। इसके लिए रोस्ट किया हुआ मखाना में थोड़ा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड करके कुछ सेकंड के लिए फिर से रोस्ट कर लिया है। रोस्टेड सॉल्टी ये पीनट्स का एक क्विक स्नैक्स रेडी कर लेती हूँ। एक कप पीनट्स में कोरिएंडर, ऑनियन, टोमेटो और चाट मसाला ऐड करके मिक्स किया है। लास्ट में थोड़ा सा लेमन जूस और ऑलिव ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस 2 मिनट्स में रेडी हो गया पीनट्स चाट। रोस्ट करके रखा हुआ मखाना से नेक्स्ट रेडी करती हूँ मखाना चाट। कार्ड को अच्छे से फेंट लिया है। ये चाट रेडी करने के बाद इमिडिएटली सर्व करना है, नहीं तो मखाना में क्रिस्पीनेस नहीं रहेगा। ये ग्रीन चटनी और स्वीट इमली चटनी भी मैं रेडी करके ग्लास बोतल में स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। मखाना चाट देखने में जैसे अच्छा लगता है,
खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और एक अच्छी बात है ये हेल्दी भी होती है। नेक्स्ट है किड्स के फेवरेट बिस्किट्स बाइट। इनको तो रेडी करने में 2 मिनट्स भी नहीं लगते हैं। इनको ऐसे ही शार्प कर सकते हैं या कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। कटलेट्स को मैंने सेलो फ्राई कर लिया है, आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। ये था आज हमारे घर आने वाले गेस्ट के लिए कुछ क्विक स्नैक्स। ये स्नैक्स आइडियाज़ आपको कैसा लगा मुझे बताना, साथ में ये भी बताना कौन सा रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छा लगा। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।